बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी अपना ही काम ही देख रहा था, ये आप देख लें जो कि मेरे पास ही है। मैं साथ ही ले आया था, आपको पता ही, जनरल लाहौर के लिए सफ़र कर चुका हूँ, तो ये इकामा मेरे पास है और मैं खुद का अपना महीना अभी देख रहा था। क्या हमारी भी छुट्टी होने वाली है, ये भी साथ में सोच रहा था। छुट्टी से मुराद ये है जी, आपने अभी तक शायद वीडियो कोई किसी दोस्त अखबार की दूसरे की देख ली हो कि जो कि आपको पता है सऊदी अरबिया में कुछ महीनों के मुतलक सामने आ रही हैं जी, कि फला फला फला। मैं भी आपको बता देता हूँ डिटेल से महीने वगैरह भी, और आपको क्या आपको कोई इस चीज़ से मसला होने वाला या नहीं होने वाला ये भी क्लियर कर दूंगा। फला 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 महीने वाले भाई फारग होने वाले हैं। और इसके बाद दूसरी बात ये कही जा रही थी कि 33,000 जॉब्स जो सऊदियों को बाई दी जाएंगी। सिंपल अल्फाज में अगर आपको बता दूं तो 33,000 वो काम जो गैर मुल्कियों से छीन कर सऊदियों को दिए जाएंगे। हम अगर सिंपल अल्फाज में ये बात कर लें, ठीक है, अगर वैसे वैसे बात करें तो 33,000 गैर मुल्कियों को बाई फारग कर दिया जाएगा और सऊदियों को उनकी जगह पर रखा जाएगा, फला फला फला। अब फारग नहीं होंगे, ये मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही। आप ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, अभी आप ये सोच रहे होंगे, ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपने कोई भी अदारा देखा होगा, कोई भी शिरका देखा होगा, कोई भी कंपनी देखी होगी, कोई भी शॉप देखी होगी जिसमें 2 सऊदी हैं, 3 सऊदी हैं, तो 10, अगर 3 सऊदी हो तो 10 गैर मुल्की होती है नीचे काम करने वाले। मैंने तो ऐसे भी देखा है। अच्छा, वैसे सख्ती के मामला तो वैसे क्लियर हैं, और खासकर उनके लिए जो सऊदियों के नाम पर खुद कारोबार करते हैं, सहायक खास है, सहायक मंजिली है, सहायक आम यानी कि छोटे महीना वाले हैं जी, हार्स वगैरह वाले, खादमा वाले, जो आपने बनी मालक में देखा हुआ सूख मगर भी अभी तो शहीद हो चुकी है जी, तो सूख मगर भी मैं आपके साथ बहुत सी वीडियो वहां पर बैठे हुए, तो सूख मगर भी मैं उस टाइम तो एक बंगाली था जी, उसकी खजूर की दुकान थी। आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ सुन लें, उसका सऊदी आया, उसको ने उससे बातचीत की है, तो मैंने वो बंगाली साथ थोड़ी गपशप थी, मैं और मेरा दोस्त बैठे हुए थे, उससे पूछने लगे मैं क्या मसला है। वो बोलता कि ये अभी बोल रहा है कि कोई भी किसी किस्म का अगर कार्रवाई होती है यानी कि छापा डलता है तो मैं इस चीज़ का मसूल नहीं होऊंगा, फिर तुम खुद से मसूल हो इस चीज़ के। तो बहुत से भाई ऐसे हैं जो मैंने जो खुद से जानता हूँ, जिनको साई खास है, नामल मंजरी, छोटा महीना वाले, जो खरूज लगवा कर वापस आ चुके हैं पाकिस्तान में। किस लिए भाई, अभी कफील के घर से घर पर तो जाकर काम करने से रखे। अभी महीनों के मतलब बात कर लेता हूँ, क्या इससे आपको कोई नुकसान होने वाला, ये भी क्लियर कर देता हूँ मैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम बात कर लें साइक साइक में बहुत से महीने आते हैं जिसमें साइक मोमी, साइक साखना, साइक खास है जी। और ये अभी एक बात क्यों कर रहा हूँ आपको मैं, अभी सहायक शाहना ले लेते हैं यानी कि सबसे बड़ा महीना यानी कि ट्रेलर ड्राइवर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं क्लियर कट बात बता रहा हूँ कि तमामतर वो अफराद, वो ड्राइवर फारग कर दिए जाएंगे जिनके सहायक शाहना या सहायक अमूमी महीना होगा। सहायक खास वाले तो फारग हो ही नहीं सकते हैं, वो कैसे, घर के ड्राइवर हैं जी, घर के खादम हैं, आप सिंपल अल्फाज में बोल रहे हैं, ये तो बात ही झूठ है। सहायक अमूमी यानी कि मिड साइज का ड्राइवर, सहायक शाखना यानी कि बड़े साइज का ड्राइवर, तो ये खत्म बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ, कुछ ऐसी ट्रांसपोर्ट के ऊपर सऊदी को बैठाया जा सकता है, मिसाल के तौर पर हाजियों को ले जाने वाली बसें, या मुख्तलिफ अमीरों वगैरह के लिए गाड़ी वगैरह ये यूज होती हैं, वहां पर सऊदी बैठ सकते हैं। अगर आप बोले ना कि एक रेत लोड करने वाला ट्राला है वो सऊदी चला लेगा, तो ये झूठ है जी, वो गैर मुल्की ही चलाएंगे। इंजीनियर है जी यानी कि मुहंदिस वगैरह के मुतलक बात कर ले तो हाँ, इसमें हो सकता है बहुत से गैर मुल्कियों को फारग कर दिया, उनकी जगह पर सऊदी को रखा जाए, बशर्ते कि उनके पास डिग्री वगैरह हो। ये भी आपको बता दूं, मैं कल ही मुझे रिपोर्ट मिली है जी, एक बहुत बड़ी कंपनी है रियाज में, ITI नाम की, आप जानते होंगे, तो वहां से कुछ इंजीनियर अफराद को छुट्टी पर भेजा गया है, काम नहीं है हमारे पास, जब काम होगा आपको बुला लेंगे। तो उसकी रीजन भी यही होती है, काम वगैरह नहीं हो तो फिर उनको फारग कर दिया जाता है। डिलीवरी के मुतलक बात करें तो मोटरसाइकिल के ऊपर, अभी आप सऊदी को आए तो भाई बैठने से रहा, डिलीवरी देने के मुतलक वो गैर मुल्की ही करेंगे। हाँ, कुछ मखसूस डिलीवरी होती है यानी कि हाई लेवल का अगर काम बोल रहे हैं तो वो मैंने देखा है सऊदी करते हैं, यानी कि नून के मुतलक, नून से अगर आप बात करें, बहुत से सऊदियों ने, मैंने खुद से एक पार्सल, ये जो रिंग लाइट मैंने लगाई हुई है आप स्टैंड मोबाइल में लगाया हुआ, ये मैंने परचेज की थी सऊदी था जी, उसने अपनी क्रोला गाड़ी लगाई हुई थी नून वालों के साथ, डिलीवरी का काम करता था इसके मुतलक। या कुछ शॉप्स वगैरह हैं जी, उनके ऊपर आपको पहले से पता है जी, तमाम तरह गैर मुल्की तो बैठ ही नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ सऊदी वगैरह साथ बैठता है तो वो साथ में बैठ जाते हैं, कोई मसला नहीं है। होता कुछ यूं भी है, मोबाइल शॉप के मुतलक आपने आज से तकरीबन 4-5 साल पहले शोर सुना होगा मोबाइल शॉप के मुतलक, के भाई तमाम मोबाइलों से गैर मुल्कियों को निकाल दिया जाएगा और सऊदी अफराद बैठेंगे। तो रियाज में थे हम, रियाज में आपको हयल नसीम में उथीम मार्केट के सामने, और सामने मोबाइल मार्केट थी, तो वहां पर मैंने देखा था वाकई गैर मुल्की हट गए थे और सऊदी बैठ गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि गैर मुल्की बिल्कुल तौर पर हट चुके हैं, वो साथ ही बैठते थे। या मैंने
फेसबुक में ऐसा भी देखा जी, मोबाइल मार्केट में गैर मुल्की बैठे हुए हैं, जब उनको पता चलता है कोई कार्रवाई वाला यानी कि बंदे आने वाले हैं सऊदी तफ्तीश वाले, तो वो सऊदी को अपने को फोन कर देते थे, वो करीब करीब रहते हैं, वो आ जाते हैं वहां पर शॉप के ऊपर बैठ जाते हैं आकर, या उनसे बातचीत कर लेते हैं, मैं घर गया हुआ था, मेरा मुलाजिम है दुकान के ऊपर बैठा हुआ था। सिंपल लफाज में अगर आपको सीधी बात बताता चलूँ तो वो ये है जी, अगर 33,000 नौकरियों से गैर मुल्कियों को निकाला जा रहा है तो इसका इसके पीछे आप ये इस चीज़ से अंदाजा कर सकते हैं कि वो 33,000 को निकाला जा रहा है, सऊदियों को रखा जा रहा है, लेकिन वो 33,000 ऐसा नहीं होगा कि उनके खरूज लगाकर उनको वतन वापस कर दीजिएगा। हाँ, वो अपना महीना चेंज करवा लें, किसी और महीने में चले, ये भी चलता रहेगा। और जो मेन चीज़ मैंने इस रिपोर्ट से, इस न्यूज़ से मैंने अंदाजा लगाया वो ये है जी कि अगर आपका महीना है ना आमल का यानी कि सफाई सुथराई का, तो आप वही करेंगे। सऊदी अरेबिया बेसिकली हमें उस चीज़ के ऊपर ला रहा है कि यानी कि अगर आप किस चीज़ का वीज़ा लेकर सऊदीया में आए हैं, यानी कि मैं वीज़ा लेकर आया हूँ साहिब खास का घर के ड्राइवर का, तो मैं घर का ही ड्राइवर रहूँ, ना कि बाहर दिहाड़ी लगाने चला जाऊँ। इस चीज़ के ऊपर सऊदी अरेबिया में अभी फोकस किया जा रहा है, यानी कि जिस बंदे का जो महीना है वो उसी शोबे में रहे और वही काम करे, ना कि उससे हटकर कुछ और करता रहे। हाँ, अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं और आप यानी कि आपका महीना है जी, अभी आपका महीना है आमल का और आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि अपने महीने को साइकमोमी चेंज करवा लें, अपना लाइसेंस वगैरह आप बनवाएं और उसको साइकमोमी चेंज करवा लें। थोड़े पैसे लगेंगे, आप अपना काम जारी रखेगा, आपका काम डिले नहीं होगा, यानी कि आपको ऐसा नहीं होगा कि आप इस काम से निकाल दिए जाएंगे। आप अपना महीना चेंज करवा लें अपने काम के हिसाब से, या अगर आप खुद से वही काम कर रहे हैं तो पैसे